नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर उपस्थित हैं आपके अपने YouTube चैनल होलकर स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, मैं आज बात करता हूं, यानी सबसे पहले बात करूंगा अंडरग्राउंड केबल के बारे में। दोस्तों, जो अंडरग्राउंड केबल होती हैं, ये कहां कहां यूज की जाती हैं और यानी किस यानी कितने वोल्टेज के लिए यूज की जाती हैं, सबसे पहले मैं इसी के बारे में चर्चा करूँगा। तो दोस्तों, बात करते हैं, सबसे पहले इसी के अंतर्गत बात करता हूँ इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। जो केबल के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करूँ, तो सबसे पहले जो केबल होती है, जिस पर क्या होता है, जैसे इंसुलेशन कंडक्टर होता है, यानी जिस कंडक्टर पर हम इंसुलेशन चढ़ा दिया जाता है, तो वो किसका रूप धारण कर लेती है, हमारी केबल का रूप धारण कर लेती है। यानी केबल होता है, ये वैद्युत शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करती है, यानी हम कुशलतापूर्वक हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। अब जैसे मैं बात करूं, जितनी भी केबल होती हैं दोस्तों, ये होती हैं हमारी फ्लेक्सिबल केबल होती हैं। कैसे होती हैं? फ्लेक्सिबल, यानी इन्हें एक बंडल के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से लिया जा सकता है। तो साथ में दोस्तों, इसकी बहुत सारी कंडीशन होती हैं, ये कहाँ कहाँ यूज की जाती हैं, इनकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है वो भी हमारी बढ़िया होनी चाहिए, यानी अच्छी होनी चाहिए। और साथ साथ इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, क्या बोल सकते हैं, इसकी नम्रता होनी चाहिए, वो अच्छी होनी चाहिए। वो आसानी से हम क्या करना है, यानी फ्लेक्सिबिलिटी यानी नम्रता आसानी से हम मोड़ने में सहायक होनी चाहिए जो भी केबल होती है। और साथ साथ इनकी शुद्धता, यानी हमारे जो जैसे हम जो मेटेरियल का यूज करते हैं, जैसे कॉपर कंडक्टर का यूज करते हैं, एल्यूमिनियम कंडक्टर का यूज करते हैं, तो ये भी हमारा कैसा होना चाहिए, एक शुद्ध कंडीशन का क्या होना चाहिए, मेटेरियल होना चाहिए। और साथ में जैसे मैं बात करूँ इसके अंतर्गत ही, जैसे जो भी केबल होती है हमारी कहाँ कहाँ यूज की जाती हैं, इस केबल के बारे में भी बताऊँगा। तो दोस्तों, ये केबल होती है हमारी, ये ज़्यादातर वैद्युत केंद्रों तथा उपकेंद्रों पर यूज किया जाता है इन केबलों का। और साथ साथ में इन केबलों का पैनल तथा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्डों में भी इसका यूज किया जाता है। और देखा होगा दोस्तों, ये कारखाने होते हैं या आबादी वाले क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर इसका यूज किया जाता है केबल का। तो दोस्तों, इसके अंतर्गत मैं बात करूँगा, यानी जो केबल का वर्गीकरण के बारे में, किसके बारे में बात करूँगा, केबल का वर्गीकरण। तो दोस्तों, बात करेंगे सबसे पहले केबल का वर्गीकरण, तो देखते हैं इसमें। यानी बोल सकते हैं, तो हम दोस्तों बात कर रहे हैं, यानी केबलों का वर्गीकरण हम बात करते हैं दोस्तों। इसमें सबसे पहले बात करें इसमें केबलों का वर्गीकरण, किसकी बात करें, केबलों का वर्गीकरण। जो केबलों का हम वर्गीकरण करते हैं, या आप बोल सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ केबल या केबल्स, क्या बोले हम, केबल्स। जो केबल्स होती हैं, हम बात करेंगे जो क्लासिफिकेशन ऑफ केबल या केबलों का वर्गीकरण, जब विभिन्न प्रकार के केबलों का वर्गीकरण हम भिन्न भिन्न प्रकार से करते हैं, तो भिन्न भिन्न प्रकार से जो करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे, यानी अकॉर्डिंग, किस क्या करेंगे, अकॉर्डिंग वोल्टेज या अकॉर्डिंग टू वोल्टेज, यानी वोल्टेज के आधार पर, क्या बोल सकते हैं हम, वोल्टता के आधार पर, यानी वोल्टता के आधार पर हम ज्ञात करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें, नंबर एक आता है हमारा, यानी नंबर एक होता है, हम बोल सकते हैं, यानी लो टेंशन केबल, या हम बोल सकते हैं लो वोल्टेज केबल, क्या बात करें हम, लो वोल्टेज केबल, या हम बोल सकते हैं इसे, यानी लो वोल्टेज केबल को बोल सकते हैं हम निम्न वोल्टता केबल, क्या बोल सकते हैं इसे, निम्न वोल्टता केबल। या केबलें या केबल बोल सकते हैं, जो लो वोल्टेज केबल होती है दोस्तों, इसका जो प्रचालन होता है, यानी इसके प्रचालन में, इसका जो प्रचालन होता है हमारा एबव बोल सकते हैं, या हम इसका जो प्रचालन होता है, यानी 1 kV के लिए इसका यूज किया जाता है। इसलिए हम दोस्तों इसे हम किस नाम से जाना जाता है, इसे बोला जाता है, यानी लो टेंशन केबल के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, लो टेंशन केबल के नाम से भी जाना जाता है, या बोल सकते हैं लो टेंशन केबल को हम बोल सकते हैं निम्न दाब केबल, क्या बोल सकते हैं दोस्तों इसे, निम्न दाब केबल, निम्न दाब केबल। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सेकंड नंबर पर बात करते हैं इसमें, नंबर दो की बात करें, यानी बोल सकते हैं हाई वोल्टेज केबल, किसकी बात करें, हाई वोल्टेज केबल। हाई वोल्टेज केबल होती है दोस्तों,
ये भी होते हैं, इसे हम बोलते हैं हिंदी में यानी उच्च वोल्टता केबल। क्या बोलते हैं इसे? उच्च वोल्टता केबल, उच्च वोल्टता केबल या केबल बोल सकते हैं, या केबल है बोल तो। अब इसमें जो केबल होती है, उच्च वोल्टता केबल होती है दोस्तों, इसका जो प्रचालन होता है यानी बोल सकते हैं हम 1 kV से, 1 kV से या 1 kV 2 या बोल सकते हैं 11 kV के लिए इसका यूज किया जाता है। इसलिए दोस्तों इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोल सकते हैं यानी हाई टेंशन केबल के नाम से भी जाना जाता है, या हम बोल सकते हैं इसे उच्च दाब केबल, उच्च दाब केबल भी कहते हैं या केबलें भी कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें दोस्तों, नंबर थर्ड की बात करें इसमें, तो नंबर थर्ड की बात करते हैं हम इसमें यानी सुपर वोल्टेज केबल। किसकी बात करेंगे हम? सुपर वोल्टेज केबल, सुपर वोल्टेज केबल। दोस्तों ये सुपर वोल्टेज केबल होती है, ये हम बोल सकते हैं इसे श्रेष्ठ वोल्टता केबल। किसके नाम से नहीं आता है? श्रेष्ठ वोल्टता केबल। तो श्रेष्ठ वोल्टता केबल की बात करें इसमें, तो सबसे पहले बात करेंगे श्रेष्ठ वोल्टता केबल में दोस्तों, इसका जो प्रचालन होता है हम बोल सकते हैं 11 kV से 33 kV के लिए करते हैं, ये 11 kV टू 33 kV, या हम इसे सुपर टेंशन यानी बोल सकते हैं HT यानी सुपर टेंशन केबल के नाम से भी जाना जाता है, या हम बोल सकते हैं इसे श्रेष्ठ दाब केबल के नाम से भी जाना जाता है। इतनी बात जरूर समझ में आई होगी। जैसे नेक्स्ट हम बात करें इसमें नंबर 4 की बात करें, तो नंबर 4 है हमारा, या हम बोल सकते हैं इसे एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल। किसकी बात करें हम? एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल, हाई वोल्टेज केबल। तो हाई वोल्टेज केबल होती है, इसे हम बोल सकते हैं यानी अति उच्च वोल्टता केबल, उच्च वोल्टता केबल। तो ये भी केबल होती है दोस्तों हमारी, जो यूज की जाती है 33 kV से 132 kV के लिए यूज की जाती है, या बोल सकते हैं 33 kV टू 132 kV, जो 132 kV के लिए यूज की जाती है, यानी इसे हम बोल सकते हैं यानी एक्स्ट्रा, क्या बोल सकते हैं? एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए दोस्तों इसे हम बोल सकते हैं यानी अति उच्च दाब केबल। क्या बोल सकते हैं? अति उच्च दाब केबल, अति उच्च दाब केबलें या केबल बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसमें, तो नेक्स्ट नंबर लास्ट की बात करें इसमें, नंबर 5 की बात करें इसमें, तो नंबर 5 होता हमारा इसमें यानी इसे बोल सकते हैं एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल। एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल होती है, या हम बोल सकते हैं इसे अति, क्या बोल सकते हैं इसे? अति श्रेष्ठ वोल्टता केबल, अति श्रेष्ठ वोल्टता केबल। अति श्रेष्ठ वोल्टता जो केबल होती है, इसका जो हम यूज करते हैं या इसका जो प्रचालन करते हैं, लगभग करते हैं हम 132 यानी अबव 132 kV के लिए यूज करते हैं, या हम बोल सकते हैं 132 kV से अधिक के लिए हम जो भी हम यूज करते हैं अति श्रेष्ठ वोल्टता केबल, या हम बोल सकते हैं इसे किस नाम से बनाया जा रहा है इसे, यानी एक्स्ट्रा सुपर हाई टेंशन केबल, हाई टेंशन केबल के नाम से भी जाना जाता है। लगभग हम इसे बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? अति श्रेष्ठ दाब केबल, दाब केबल के नाम से भी जाना जाता है। इतनी बात दोस्तों जरूर समझ में आई होगी। तो दोस्तों जो भी मैंने केबल के बारे में बताया, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे तुम्हारा कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे UPSL TG2 में और साथ में UPSL JEE में, यहाँ से क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है केबल के बारे में। यानी दोस्तों जितनी भी मैं केबल के बारे में बताया था, यानी केबल की जो कंडीशन होती है, और साथ में दोस्तों ये केबल का जो वर्गीकरण मैंने वोल्टता के आधार पर, या बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू वोल्टेज के आधार पर बताया गया है। यानी सबसे पहले मैंने बताया था लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज, फिर उसके बाद सुपर वोल्टेज, फिर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, फिर एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज। तो इसमें मैंने बताया लो वोल्टेज होता हमारे 11 kV के लिए, और हाई वोल्टेज होता हमारा 1 kV टू 11 kV के लिए, या बोल सकते हैं सुपर वोल्टेज केबल होती है वो 11 kV से 33 kV के लिए यूज किया जाता है, और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल के लिए हम 33 kV टू 132 kV के लिए यूज करते हैं। और साथ में जो एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज होती है हमारी,
वो एवप उड़ सकते हैं 132 से अधिक के लिए हम इसका यूज करते हैं। दोस्तों इतनी बात जरूर समझ में आई होगी। अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसमें, यानी जो भी केबल होती है, जो केबल का जो अंडरग्राउंड केबल होती है वहाँ पर हम किस किस मेटेरियल का यूज़ किया जाता है उसके इंसुलेशन के लिए, साथ में उसमें बेडिंग का यूज़ किया जाता है और आर्मरिंग का यूज़ किया जाता है, वो किस मेटेरियल को किस किस कंडीशन से हम इसका यूज़ करते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद।